अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ फातिमा। मैं हूँ अरिबा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्रामा मुझे प्यार हुआ था, जो ARY TV पे हाई रेटेड जा रहा है और उसकी मेन लीडिंग कास्ट है वहाज अली, हानिया आमिर और जावियर नुमान। ये तीनों एक्टर्स अपने काम के लिए मशहूर हैं और बहुत ही अच्छे और खूबसूरती से काम कर रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस ड्रामे में मौजूद हानिया आमिर की जगह पर कौन सी तीन खूबसूरत तरीन एक्ट्रेसेस को सिलेक्ट किया गया था, पर कुछ मखसूस वजूहात की बिना पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और फिर चौथे नंबर और फाइनल नंबर पर हानिया आमिर को सिलेक्ट किया गया। हानिया आमिर, जो कि मेरे हमसफर की वजह से हंसी पॉपुलर हो चुकी है, इनकी पॉपुलैरिटी से तो इनकार किया जा ही नहीं सकता। इस ड्रामा के लिए जिस पहली एक्ट्रेस को फाइनलाइज किया गया था वो थी रमशा खान। रमशा खान ने रमजान स्पेशल हम तुम ड्रामा सीरियल में काम किया था, जो कि बड़ा ही सुपर डुपर हिट रहा था। रमशा खान ने इस ड्रामे में ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गई, लेकिन उन्होंने इस ड्रामे को इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें इस बार कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना है जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, क्योंकि उनके मुताबिक माहिर का किरदार और उनके ड्रामा हम तो में मौजूद कैरेक्टर मिलता जुलता था। सेकंड नंबर पे दुजे फिशा हैं, जिन्होंने रिसेंटली कैसी तेरी खुदगर्जी के प्रोजेक्ट पे काम किया है और बहुत ज्यादा मकबूल भी रहा है। इसकी वजह से, इस ड्रामे की वजह से इन्हें खासी शोहरत भी मिली है। इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ स्क्रीन पे आए, लेकिन इन्होंने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया है उसमें सब में ही ये पॉपुलर रहेंगे, और कैसी तेरी खुदगर्जी से तो ये और भी ज्यादा पसंद की गई है। और हमारी इस एक्ट्रेस की एक खास बात ये है कि ये एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। जब इनको इस ड्रामे की ऑफर आई थी माहिर के कैरेक्टर की, तब ये कैसी तेरी खुदगर्जी के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, जिसकी वजह से इनके पास टाइम ना होने की वजह से इन्होंने डायरेक्टर से एक्सक्यूज कर लिया था। तीसरे नंबर पे जिस खूबसूरत एक्ट्रेस को फाइनलाइज किया गया था वो थी हमारी मशहूर और मारूफ खूबसूरत मायाली। जी बिल्कुल, मायाली को इस ड्रामे के लिए फाइनलाइज किया गया था और इनका ऑडिशन भी हो गया, ये सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन बात खटाई में वहाँ पड़ी जब मायाली ने अपनी पर एपिसोड चार्जेस बहुत ज्यादा बताए और डायरेक्टर इस बात के लिए कतन कम्फर्टेबल नहीं थे, तो ये बात यहीं पर खत्म हो गई। फिर एंड पे बारी आई हानिया आमिर की, जिनको माहिर के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इन तीन एक्ट्रेसेस में से कौन सी माहिर के कैरेक्टर को पूरा उतर सकती थी, या आपके मुताबिक हानिया आमिर ही माहिर के कैरेक्टर के साथ भरपूर इंसाफ कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी मोटी सी अपडेट बिहाइंड द कैमरा बिफोर शूटिंग मुझे प्यार हुआ था की सिलेक्शन के बारे में। आई एम डैम श्योर हानिया आमिर इस कैरेक्टर के साथ इंसाफ करेंगी। मेरे हमसफर में तो हम इनकी एक्टिंग के जौहर देख ही चुके हैं और इन तीनों कास्ट की बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग है, और अब तक तो ड्रामा बहुत ही अच्छा जा रहा है। अब आगे देखते हैं कैसा जाता है। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज एंड मोटिवेट अस, एंड द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट वी वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।